अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सेंटर ऑफ मास के किए, वो क्वेश्चन में मैंने आपको पॉइंट मासेस दिए, M1, M2, M3, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. आपने भी लगाया फॉर्मूला, आंसर आ गया, डन हो गया, ऐसे हुआ. लेकिन ये ज़रूरी नहीं. और हाँ, कभी कभी मैंने आपको ये भी कहा, एक रॉड है और रॉड का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बोलो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, आपने कहा सेंटर पे. एक स्क्वायर शीट है, सेंटर और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्क्वायर शीट में अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बोलो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, उसके सेंटर पे. एक सॉलिड स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, उसके सेंटर पे. लेकिन अब मैं क्या करवाने वाला हूँ कि मान लो आपके पास एक रॉड है, इस रॉड की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कॉन्स्टेंट नहीं है. ये लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन लेंथ, कि कितना मास है कितनी लेंथ के ऊपर. तो लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर ज़्यादा 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 ज़्यादा. अब लीनियर मास डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर मास भी ज़्यादा है कम लेंथ में, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, लैम्डा से. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि अगर पॉइंट मासेज नहीं है और मास कैसे है, मास बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अगर सपोज करो एक थिन रॉड है, ये एक थिन रॉड है, और थिन रॉड में यहाँ पर मास कम है पर यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है और यहाँ पर तो बहुत ही बढ़ गई, तो इसका मतलब मास की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है. तो पक्की बात है सेंटर ऑफ मास सेंटर पे किसी भी हालत में होगा नहीं. कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा जहाँ पर ज़्यादा मास की डिस्ट्रीब्यूशन है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लेंथ लूँ और यहाँ की 1 सेंटीमीटर लेंथ लूँ, इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ में मास कम आएगा और इसकी 1 सेंटीमीटर में लेंथ में मास ज़्यादा आएगा. तो लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ. तो लेंथ बराबर रखते हुए अगर लैम्डा यहाँ का कम है, इसका मतलब मास यहाँ पर कम है, और ज़्यादा है तो ज़्यादा है. लेंथ यूनिफॉर्म रख लो 1 सेंटीमीटर, तो अगर लैम्डा यहाँ पे जाते हुए इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मास कम ज़्यादा 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 और ज़्यादा होता जाएगा. ये बात समझ में आती है कि अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर मास बढ़ता जाएगा, कोई डाउट इसमें? अच्छा, वॉल्यूम के अंदर तो करते ही हो छोटे क्लास में वॉल्यूम. अगर डेंसिटी ज़्यादा है किसी बॉडी की तो कम जगह पर ज़्यादा मास है, डेंसिटी कम है तो कम जगह पर कम मास है या ज़्यादा जगह पर कम मास है, ऐसे करते हो. तो डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब मास वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है यहाँ तक. लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में ये बोलता हूँ कि आपके पास एक रॉड है और इसका भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पर लैम्डा पूरी रॉड का क्या है, कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट का मतलब 1 सेंटीमीटर जितना मास है अगले 1 सेंटीमीटर में भी उतना मास है, अगले 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही मास है. तो लैम्डा कॉन्स्टेंट का मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, बराबर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रॉड के ऊपर. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पर एटलीस्ट एक बात तो समझ में आ रही है. मेरे इस एग्जाम्पल में मैं पॉइंट मासेज ले रहा हूं M1, M2, M3 अप टू MN, क्योंकि पॉइंट मासेज दे नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता इसमें कितने मासेज हैं. तो M1 से लेके MN तक पता नहीं n नंबर ऑफ मासेज हैं, और n नंबर ऑफ मासेज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम को M1 X1 से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कब, व्हेन मास इज यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या ऐसा बोलना चाहिए वन जब मास की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है, ऐसा बोल देते हैं व्हेन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ बॉडी, चाहे लेंथ वाइज चाहे एरिया वाइज चाहे वॉल्यूम वाइज. तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे सपोज करो एक रॉड का एग्जांपल लेता हूं. पहले मैं एक रॉड है और रॉड का लैम्डा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है. यूनिफॉर्म हुआ तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, नॉन यूनिफॉर्म है तो कहीं ज़्यादा कहीं कम मास है. तो मान लो रॉड की लेंथ एल है, तो अगर रॉड की लेंथ एल है तो इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके ये डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू एल का डिस्टेंस है, कोई डाउट इसमें, 0 से एल है. तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसके अंदर एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, वो एलिमेंट क्या है, डी एक्स, और कितनी दूरी पे,
एक्स, और इसका मास क्या होगा स्मॉल, कितना डी एम। अपने मन में सोचो कि अगर मैं आपको ये बता दूं इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एम वन एम टू एम थ्री एंड सो ऑन, या डी एम वन डी एम टू डी एम थ्री डी एम फोर, कुछ ऐसा वैसे होता नहीं ऐसा, पर चलो बोल देता हूँ कि डी एम वन मास है जिसकी दूरी यहाँ से एक्स वन है, डी एम टू की एक्स टू है, डी एम थ्री की एक्स थ्री है, डी एम फोर का एक्स फोर है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, डी एम वन एक्स वन प्लस डी एम टू एक्स टू प्लस डी एम थ्री एक्स थ्री अप टू एन एस पार्टिकल डिवाइडेड बाई डी एम वन डी एम टू डी एम थ्री एंड सो ऑन, ऐसे ही करोगे। पर ये करना कितना मुश्किल, मुश्किल का इम्पॉसिबल है, आप कर नहीं पाओगे, तुम्हें ये नहीं पता कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ऐड तो कर नहीं सकते ऐसे केस में, इंटीग्रेशन करते हैं डी एम इंटू एक्स, वो डी एम वन एक्स वन, फिर अगला पार्टिकल डी एम टू एक्स टू डी एम थ्री एक्स थ्री, मिला दो, मिलाने को क्या बोलते हैं इंटीग्रेट कर दो, तो इसे खोलेंगे तो ये टर्म आएगी डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास में क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो ये फॉर्मूला आप प्लीज नोट करो फॉर्मूला रजिस्टर में, और नोट के साथ नोट करना अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का ये तरीका आपने यूज करना है। तो जिन क्वेश्चन में पॉइंट मासेस नहीं है उनमें इंटीग्रेशन लगती है, और ऐसे ही सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास निकालने का भी बिल्कुल यही तरीका रहेगा, डी एम इंटू वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला को नोट करो, मैं करवाता हूँ कि इसको करना कैसे, यूज कैसे करना है। ओके चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन और ये फॉर्मूलाज को यूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ओनली फॉर कॉम्पिटिशन नॉट फॉर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का काम खत्म हो चुका है, वैसे बता दूं मैं स्कूल लेवल जितना हमने इससे पहले किया बस वो स्कूल लेवल में आ जाए, इससे ऊपर नहीं आएगा, जो आज हम करेंगे वो कॉम्पिटिशन वाला पार्ट है सारा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आपको एग्जाम्पल में ये गिवन है, एक रॉड है, ये एक रॉड है, और इस रॉड का आपको लैम्डा गिवन है, मान लो के इंटू एक्स स्क्वायर, के इंटू एक्स स्क्वायर कुछ भी, ये कुछ भी दे सकता है, के एक्स भी दे सकता है, के भी दे सकता है, के सम कांस्टेंट है, और ये के एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कुछ भी उसकी मर्जी है, लैम्डा जो मर्जी दे। मुझे ये बात समझ में आती है, अगर रॉड की लेंथ एल है तो ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट है और ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एल का पॉइंट है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है, इसके अंदर जीरो और एल का पॉइंट है, इसके अंदर मुझे को क्या फॉर्मूला लगाना है, मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। सबसे पहली चीज़ मैं ये देखता हूँ कि क्या इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे पता लगता है, लैम्डा से, अगर लैम्डा कॉन्स्टेंट है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर मुझे सॉल्व क्या करना, फिर तो पता गया सेंटर ऑफ मास एल बाई टू पे आएगा, बात खत्म। पर यहाँ पर लैम्डा की अगर आप देखें तो लैम्डा एक्स पे डिपेंडेंट है, तो x एक्सिस पे x की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती जा रही है, यानी कि लैम्डा यहाँ पर कम यहाँ पर ज़्यादा, ज़्यादा 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 बहुत ज़्यादा, तो x अगर बढ़ रहा है तो लैम्डा भी बढ़ रहा है, कोई डाउट इसमें, और x की वैल्यू बढ़ रही है तो लैम्डा भी बढ़ रहा है, और अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है x की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब दिस इज केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो यहाँ पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो कहाँ पर सेंटर ऑफ मास मिलेगा, सेंटर के राइट पे कि लेफ्ट पे, राइट पे, वो क्यों, क्योंकि ज़्यादा मास राइट पे है, एक्स बढ़ता जाएगा लैम्डा बढ़ता जाएगा तो मास भी बढ़ता जाएगा, तो राइट पे मिलेगा। क्वेश्चन है कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो जिस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था, इंटीग्रेशन ऑफ
dm into x divided by integration of dm, ये फॉर्मूला था। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये समझ में आ रहा है, इसमें m1 x1 तो वैसे भी लग नहीं सकता। अब इसमें dm क्या चीज है, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, इस एलिमेंट की जो दूरी है यहां से कितनी है, x है, इसकी विड्थ या लंबाई dx है और मास इसका dm है। कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका मास dm है और लेंथ dx है, ये dm की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर लेंथ l है रॉड की तो मास क्या है m, क्योंकि रॉड में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ। अगर 1 है तो m डिवाइडेड बाय l, और अगर मेरी लेंथ कितनी है dx है तो मास क्या है m बाय l इनटू dx, तो ये क्या हो जाएगा dm। कोई डाउट इसमें, dm कैसे आएगा, समझ में आ रहा है यहां तक, तो dm की वैल्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, रॉड में लेंथ मास ऐसे निकलते हैं हमेशा। इस dm की वैल्यू को मैं यहां पुट करने जा रहा हूं, यहां पे और यहां पे, ये लो मैं पुट कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह m बाय l इनटू dx इनटू x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे भी पुट कर रहा हूं कितना, m बाय l इनटू dx। क्या इस स्टेप समझ में आ रहा है, dm को यहां पर और यहां पर दोनों में पुट कर दिया, अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या चल पड़ी, x dx, अब dx की लिमिट x में लगेगी, तो रॉड का यहां से लेके यहां तक सेंटर ऑफ मास निकालना है तो x की लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके l, यहां पर भी इंटीग्रेशन x के साथ है 0 से लेके l, क्या स्टेप क्लियर है, 0 से l, 0 से l। तो एक चीज और अच्छी बता देता हूं, रॉड का जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा उसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस वो लैम्डा चेंज करता जाएगा, लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा की वैल्यू जब इसमें चेंज होगी तो वहां से आंसर आता जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, अब एक चीज और देखो, ये एक तो एक तरीका है ही डीएम निकालने का, लेकिन एक और तरीका है, क्या तरीका है, जो एम बाय एल है, देखो जो लैम्डा होता है वो होता क्या है, वो होता है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। अब ऐसा भी कर सकते थे, इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, लैम्डा, ऑब्वियसली क्या बनेगा लैम्डा, इसकी जगह भी क्या पुट करेंगे लैम्डा, या ऐसा भी कर सकते हो, और आसान करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जब आप मास निकाल रहे थे ना तो आप मास सीधा निकालो, ये मैंने थोड़ा लंबे तरीके से निकाल दिया, आप ऐसे मत निकालो, आप मास को ऐसे निकाल लो, आपको इस क्वेश्चन में डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्या गिवन है, लैम्डा, ठीक है, तो आपको लीनियर मास डेंसिटी क्या गिवन है, लैम्डा, तो बोलो डीएम क्या होगा, लैम्डा इंटू डीएक्स कर दे सीधा, ये ज्यादा आसान है, लैम्डा, क्योंकि लैम्डा का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, को लेंथ dx से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया dm, ये ज्यादा इजी है क्योंकि इस क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा इनटू dx कर दो और आसान हो गया। तो इसमें dm की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं लैम्डा इनटू dx इनटू x, यहां पर भी लैम्डा इनटू dx, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ये ज्यादा इजी है। एक कॉमन मिस्टेक जब ये क्वेश्चन किया जाता है, कोई कहता है लैम्डा से लैम्डा काट दो, एक्स से एक्स काट दो, डीएक्स से डीएक्स काट दो, बिल्कुल भी नहीं, ऊपर इंटीग्रेशन अलग है, नीचे इंटीग्रेशन अलग है, आप काट सकते थे अगर लैम्डा कांस्टेंट होता, पर यहां पर लैम्डा एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगी एक्स की आप कटिंग नहीं कर सकते, आप कुछ मत करो, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, ऊपर की इंटीग्रेशन अलग करो, नीचे की अलग करो, फिर एंड में काटेंगे। तो आप इसमें क्या करोगे, इसके अंदर जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू को पुट करना है, बोलो लैम्डा की वैल्यू है कितनी इस क्वेश्चन में, के टाइम्स एक्स स्क्वायर डीएक्स इनटू एक्स डिवाइडेड बाय, लैम्डा की वैल्यू नीचे भी पुट करनी है कितनी, के इनटू एक्स स्क्वायर इनटू कितना डीएक्स, के से के कट सकता है, इट इज अ कांस्टेंट, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर की इंटीग्रेशन क्या बन रही है, एक्स क्यूब डीएक्स जीरो से लेके एल तक, और नीचे की इंटीग्रेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर डीएक्स जीरो से लेके एल तक, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, एक्स फोर बाय फोर जीरो से लेके एल तक, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब बाय थ्री जीरो से लेके एल तक। तो यहां पर वैल्यू जब पुट करेंगे एल की पावर फोर बाय फोर, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे एल की पावर थ्री बाय थ्री, सॉल्व करके एल फोर और एल थ्री को कैंसिल कर लेना, आंसर देखो क्या आ रहा है, थ्री एल बाय फोर इज द आंसर, सिंप्लीफाई करके थ्री एल बाय फोर आंसर आएगा। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहां पर मिलेगी, थ्री L by 4 पे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट देखो मैथ है, इसमें कुछ कोई कर नहीं पाएगा, मेन पार्ट जो था वो ये पार्ट है, d
डीएम लैम्डा इनटू डीएक्स है, वो तो स्टैंडर्ड है लैम्डा इनटू डीएक्स रॉड के, फिर लैम्डा हर क्वेश्चन में चेंज करके देगा, बस जीरो से एल इंटीग्रेट करते रहो आंसर आता रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब मास पॉइंट मास नहीं होगा और मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है,